नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में मॉनसून ने इस बार समय से पहले ही दस्तक दे दी है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह पर जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन सबके बीच मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे एक बात तो तय है कि लोगों को फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग केंद्र पटना की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान को देखें तो बिहार के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, बिहार में मॉनसून सक्रिय है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है। कई ऐसे स्थान भी है जहां वज्रपात भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट तो कुछ राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत बिहार में भारी बारिश और तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उसमें नवादा, लखीसराय, जहानाबाद, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज और सिवान के नाम शामिल है। वहीं जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें सारण, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, वैशाली, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है वो वैसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर सचेत रहने की हिदायत दी गई है, यानी कि यह अलर्ट जस्ट वॉच का सिग्नल है। वहीं अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो चक्रवात के कारण मौसम के बहुत अधिक खराब होने की आशंका जताई गई है, जो कि सड़क और वायु परिवहन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जान और माल की क्षति भी कर सकता है। यही कारण है कि ऑरेंज अलर्ट में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। बीते 24 घंटे की बात करें तो बिहार के अलग अलग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। इतना ही नहीं, बिहार के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि पूरे राज्य में बारिश होने के बाद भी बीते दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके तहत बिहार में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बिहार के विभिन्न इलाकों में हुई बारिश की बात करें तो गौनाहा में 15 सेंटीमीटर, नरपतगंज और रामनगर में 8 सेंटीमीटर, निर्मली में 7 सेंटीमीटर, कटिहार में 5 सेंटीमीटर, गलगलिया और झंझारपुर में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में बिहार में और ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है, क्योंकि एक मौसमी परिसंचरण उत्तर प्रदेश के आमस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। जिसको देखते हुए ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब बारिश हो या बिजली कड़के तो लोग पक्के मकान में शरण ले। इस दौरान पूरी सावधानी बरते, खुले मैदान, नदियां, जल जमाव वाले क्षेत्र, आम और लीची के बगान जैसे जगह पर ना रहे, क्योंकि इन जगहों पर बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।